नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु आपके लिए लेकर आया है साइंस का ये प्रैक्टिस सेट पेपर, जो वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराएगा लास्ट 10 से 15 साल से लगातार पूछे जा रहे साइंस के कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जिनके बिना हर एग्जाम अधूरा है। यूं कहें कि हम जानते ही हैं कम से कम 40 से 45% क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिर्फ 20 से 25% क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, और 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से भी नहीं बनते, वो एकदम ब्रांड न्यू होते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमन क्वेश्चन आप भी देखिए, क्या आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप इनको भूलते जा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत दिनों से इनका रिविजन नहीं किया है? तो एक बार चेक करिए और प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करके अपना स्कोर चेक करिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो आप कितना स्कोर गेन कर पा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डे आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराता है। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर बनाए गए हैं उनको सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दे दिया गया है। आप उनको सॉल्व करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं और अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ध्यान से क्लिक कर लीजिएगा घंटी का, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड होता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट जो है एम्पियर कहलाएगा, एम्पियर को इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये भी बता देते हैं, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में लिक्विड रूप में पाया जाता है? इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर इन चारों में से फ्रेंसियम जो होता है वो द्रव रूप में पाया जाता है। फ्रेंसियम इनमें से कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, कारण क्या है कि इसको विद्युत चालन के लिए प्रयोग करते हैं? वायरिंग जो है अधिकतर तांबे की ही क्यों बनाई जाती है, कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, कम प्रतिरोध पर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, इसीलिए तांबे का प्रयोग करते हैं विद्युत चालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। हर गोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार मिला था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हर गोविंद खुराना जी को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में गोविंद खुराना जी को नोबल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है? जो आप पेस्ट करते हैं, दंत मंजन करते हैं, उसमें कौन सा यौगिक रहता है जिससे आपका दांत साफ हो जाता है और आप अपने आप को तरोताजा फील करते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहागा। सुहागा को आप नॉर्मली बोरेक्स बोलते हैं। तो ये जो है सुहागा टूथपेस्ट, मुख शोधन वगैरह में यूज होता है, जिसके कारण आमतौर पर आप पेस्ट करने के बाद में अपने मुंह को तरोताजा फील करते हैं, अच्छा लगता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ ही लिया है, ताप बढ़ने पर चालकता ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता घटती है और विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, विद्युत चालकता घटती है तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपके लिए एक ऑप्शन तो दिया हुआ है, विद्युत चालकता घटती है तो क्या होता है, तो विद्युत चालकता अगर घटेगी तो प्रतिरोध जो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। दोस्तों, वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस, अपने ग्रुप्स पर, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा।
चैनल पर लाइव क्लासेस भी होती हैं, आप लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। धातुएं सुचालक होती हैं, कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, धातु सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है बताइए, इन चार ऑप्शन में से अर्धचालक कौन नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो इनमें से अर्धचालक जो है आर्सेनिक नहीं है। आर्सेनिक एक प्रकार की अशुद्धि है जो पानी में घुलनशील होती है, जिसके कारण कई प्रकार की जलजन्य बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके किसके बने होते हैं, इन शॉर्ट सोल्डर आयरन जो है किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है, ये बताना है आपको, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में शीशा और टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। अतिचालक का लक्षण क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, चलिए देखते हैं। तो अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन नंबर उच्च पारगम्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों भरी जाती है बताइए, चलिए देखते हैं। तो एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन के साथ साथ ऑर्गन गैस भरना बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो जल पादप जो है जल हायसिंथ, आपने देखा होगा जलकुंभी इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तालाबों में नदियों के आसपास जो नाले रहते हैं उनमें आपने देखा होगा जहां प्रदूषण रहता है एक प्रकार से कहा जाए, वहां पर ये जलकुंभी और जनरली गांवों में जो तालाब रहते हैं उनमें ये आमतौर पर देखने को मिल जाता है, इसको बोलते हैं जल हायसिंथ, एक प्रकार की घास भी कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित कौन था, राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित चार्ल्स डार्विन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है, राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। अनुवांशिकता के नियमों का जन्मदाता मेंडल को कहते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुवांशिकता के नियमों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, चार्ज कहें या करंट कहें किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है बताइए, चलिए देखते हैं। तो वस्तुओं का आवेशन जो है न्यूट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का प्रदूषक नहीं है, राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रदूषण का कारक नहीं है, हाँ लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण जरूर है, बाकी आपका हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी वायु प्रदूषण के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। फ्यूज तार जो होती है किसकी बनी होती है, राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो फ्यूज तार जो होती है टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक कम होता है, इसीलिए सर्किट ब्रेकर के विद्युत उपकरणों का नुकसान होने से बचा लेती है फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, कारण क्या है बताइए,
चलिए देख लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, रक्त में ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है, जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर नज़दीक रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने बाहुल्य के कारण निम्नलिखित में से प्रभावित होते हैं, किसके अलावा सभी कुछ प्रभावित हो सकता है, आपको एक ऑप्शन चुनना है इनमें से क्या होगा। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कहने का मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का अगर प्रभाव बढ़ता है तो किसको नुकसान पहुँचता है और किसको नहीं, तो इसमें आपको बताना है कि किसको नुकसान नहीं पहुँचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पौधे उतनी ही ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं जितनी वो करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से वातावरण में गर्मी, ओजोन परत का अवक्षरण और भूमंडलीय गर्मी, ये सभी होता है, लेकिन ऑक्सीजन के निकलने से कार्बन डाइऑक्साइड का या ग्रीन हाउस गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑक्सीजन, उसका कार्य अलग है, वो तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो या ज़्यादा हो, उससे ऑक्सीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार देखे जाते हैं, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर है थोरियम। थोरियम के भारतवर्ष में बहुत बड़े भंडार देखे गए हैं, मोनोजाइट बालू थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। समान आवेशों में क्या होता है, अगर आप दो पॉजिटिव तारों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकर्षण होता है। क्या हो जाएगा, विकर्षण होगा, एक दूसरे को वो ढकेलेंगे, करंट पास नहीं करने देंगे। जैसे चुंबक का ही आप नॉर्मली ले लीजिए, चुंबक को तोड़िए और उसके जो समान आवेश हैं उनको आप पास में लेके आएंगे, आप देखेंगे चुंबक एक दूसरे को ढकेलती हुई प्रतीत होती है, आपको एक बल महसूस होगा जो एक दूसरे को दोनों से दूर ले जाता है। वही हाल होता है आवेश के, आवेश में भी समान आवेश एक दूसरे का विकर्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। वायु प्रदूषकों का विश्वनीय संकेतक क्या है, किससे वायु प्रदूषक का पता चल जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो वायु प्रदूषक के बारे में लाइकेन और मॉस जो होते हैं ये हमें इंडिकेट कर देते हैं कि वातावरण में वायु प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो आपने आंसर देख ही लिया है, तांबा जो है एक मिश्र धातु नहीं है, बाकी स्टील, पीतल, ब्रोंज ये सभी अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाई जाने वाली धातु है, लेकिन तांबा जो है शुद्ध धातु है अपने आप में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य का विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देख लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर देंगे तो विद्युत बल का मान जो है चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बताता है, तो फूड चेन कौन बनाएगा, घास, बकरी, मानव, फूड चेन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है। ठीक है, आहार श्रृंखला आप समझते हैं ना, बकरी ने घास खाई, बकरी को फिर मानव ने, मतलब फूड चेन कौन किसको खाता है, कौन किस पर आश्रित है, एक प्रकार से फूड चेन का ये उदाहरण आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको मार्क किसके लिए प्रयोग होता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इको मार्क जो है पर्यावरण से जो मैत्रीपूर्ण होते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो होते हैं उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर हमारे लिए कमेंट करके देना है। साथ साथ आपने अभी 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन कंडक्ट करने में बहुत मेहनत होती है, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत को सराहना मिल रही है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करके आप
चैनल पर पढ़ने आ सकते हैं। रोज क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास। आप चैनल ज्वाइन करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है, आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और आप हमारी क्लासेस में आकर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।